हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सिविल प्रॉडजी और जहां हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात। तो आज का वीडियो हमारे सभी सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने आज के टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज का टाइटल है हमारा रोटरी और राउंड अबाउट में क्या डिफरेंस है। 90% बच्चे जो है इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि रोटरी और राउंड अबाउट सेम चीज़ है। अगर वो सेम नहीं है तो वो किस वे में अलग है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो रोटरी को राउंड अबाउट से अलग करते हैं। तो आज हम वही पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में टिल द एंड। तो सबसे पहले रोटरी और राउंड अबाउट में क्या डिफरेंस है वो मैं राउंड अबाउट से स्टार्ट करना चाहती हूँ। राउंड अबाउट का पहले मैं आपको एक शेप दिखाना चाहती हूँ कि राउंड अबाउट दिखता कैसा है एक्चुअल में। तो ये जो आपको शेप दिख रही है बच्चों, ये राउंड अबाउट की शेप है। ये पूरा जो आप देख सकते हैं राउंड अबाउट में बीच में क्या है, सेंट्रल आइलैंड है एंड दो क्रॉस रोड्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रैफिक का फ्लो दिखाना चाहती हूँ कि ये जो सर्कल है यहाँ पे, जो शेप है राउंड अबाउट की वो कैसी है। ये जो आउटर सर्कल आपको दिख रहा है इस तरीके से, जो आउटर में सर्कल बन रहा है, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि ये मेरा ट्रैफिक का फ्लो है जो मेरा आउटर सर्कल है, और जो ये लेन्स हैं यहाँ से, ये परपेंडिकुलर लेन्स, ये एक आपकी वर्टिकल एंड एक ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल। ये दोनों लेन्स क्या कर रही हैं, डायरेक्टली कहाँ पे मर्ज कर रही हैं, ये जो सर्कुलेटिंग ट्रैफिक है यहाँ पे सेंट्रल में, इसके साथ मर्ज कर रही हैं। तो यहाँ पे आउटर सर्कल एंड द फ्लोइंग ट्रैफिक लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये राउंड अबाउट की कुछ इस तरीके की शेप होती है कि एक आउटर सर्कल होता है और जो ट्रैफिक जो होता है आपका ट्रैफिक का फ्लो, वो डायरेक्टली आके उस आउटर वाले सर्कल में जो सर्कुलेटिंग ट्रैफिक है उसके साथ मीट करता है। तो ये राउंड अबाउट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है उसके पिक्चर के थ्रू। अभी हमने राउंड अबाउट की शेप डिस्कस कर ली थी, उसी के साथ में मैं आपको रोटरी की शेप अब हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ आप ये देख सकते हैं रोटरी में क्या है, रोटरी में जो हमारा आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल के साथ आप देखेंगे एक लेन एक्स्ट्रा एडेड है। तो ये जो लेन्स आपको दिख रही हैं, ये वाली, दिस वन, ये सारी लेन्स क्या है, एक्स्ट्रा एडेड। तो इन लेन्स को हम बोलते हैं वीविंग लेन्स। अब इन वीविंग लेन्स के थ्रू मैं आपको ट्रैफिक का फ्लो बताऊंगी कि इस वीविंग लेन को देने का क्या मतलब रोल है रोटरी के केस में। ऐसा राउंड अबाउट में क्यों नहीं हुआ, राउंड अबाउट में कोई भी एक्स्ट्रा लेन प्रोवाइडेड नहीं होती। राउंड अबाउट में सीधा क्या है, आपका जो आउटर सर्कल है उसमें ही आपका ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। लेकिन रोटरी में क्या है, रोटरी में आपका एक्स्ट्रा लेन प्रोवाइडेड है, वो भी सारे कॉर्नर्स में, चारों कॉर्नर्स हैं और चारों कॉर्नर्स में आपकी एक्स्ट्रा लेन प्रोवाइड करी गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रैफिक का फ्लो मेरे साथ रोटरी में, तो रोटरी में ट्रैफिक का फ्लो कैसे होता है, ये जो आपको ग्रीन एरोज दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ट्रैफिक जा रहा है ये इधर भी जा सकता है। ये वाला ट्रैफिक आपका जो ऑलरेडी सर्कुलेटिंग ट्रैफिक है इसको क्रॉस करके इधर भी जा सकता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो से। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जो ये वाला ट्रैफिक है ये यहाँ से अगर इधर चला जाएगा तो ये डाइवर्ज हो जा रहा है इधर जाके, और अगर ये यहाँ से सीधा जा रहा है इस वाले ट्रैफिक के साथ तो ये क्रॉस करके मर्ज हो जा रहा है। तो वीविंग हम किसको बोलते हैं, वीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपकी मर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों साइमल्टेनियसली होती है, यानी कि एक ही पॉइंट पे आपका जो ट्रैफिक है वो मर्ज भी करेगा आगे जाके और उसी पॉइंट से क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो कुछ पोर्शन होता है उस चीज का, तो वो पोर्शन क्या है आपका, वो वीविंग एरिया है जहां पे ये आपका प्रोसेस होता है वीविंग का, कि ये ट्रैफिक यहां से इधर भी जा सकता है, ये ट्रैफिक यहां से सीधा इधर भी जा सकता है इस सर्कुलेटिंग ट्रैफिक को क्रॉस करके, उस एरिया को हम बोलते हैं वीविंग एरिया। लेकिन राउंड अबाउट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। राउंड अबाउट के केस में क्या है कि आपका जो ट्रैफिक आया उसको पता है भाई या तो उसको इधर जाना है सीधा या फिर उसको इधर जाना है। तो यहाँ पे रोटरी के केस में हमारी जो एक्स्ट्रा लेन प्रोवाइडेड होती है उसका रोल ही यही होता है कि यहाँ पे जो आपका ट्रैफिक है वो आपका इस लेन की हेल्प के थ्रू सीधा जा सकता है या फिर इधर जा सकता है। अगर वो इधर जाएगा तो एक्सीडेंट के कोई चांसेस नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी बहुत जीरो है। लेकिन अगर वो ट्रैफिक हमारे सर्कुलेटिंग ट्रैफिक को क्रॉस करता हुआ यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मूविंग ट्रैफिक है ना, इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो यहाँ से जो स्लो मूविंग व्हीकल यहाँ पे एंटर करेगा उसको यहाँ से जगह नहीं मिली तो वो एक यहाँ पे जो वेविंग लेन दे रखी है इसके थ्रू यहाँ से क्रॉस तो कर जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे जाके क्या होगा, जैसे ही वो क्रॉस करेगा वहाँ पे जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो 100% है कि एक्सीडेंट होगा ही होगा। राउंड अबाउट के केस में हम उस चीज़ से मतलब कह सकते हैं कि राउंड अबाउट के केस में वो बेटर है एज कम्पेयर टू रोटरी, अगर हम भी वीविंग लेन की बात करें। वीविंग लेन राउंड अबाउट में नहीं होती लेकिन वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस भी इतने ज़्यादा नहीं होते जितने रोटरी में होते हैं।
तो रोटरी में हम देखते हैं यहाँ पे कि जो लेंस यहाँ पे हैं, वीविंग लेंस जिनको मैं बोल रही हूँ, ये मैं अब आपको एक पिक्चर के थ्रू बिल्कुल क्लियर दिखाना चाहती हूँ। तो ये हमारी रोटरी है, इसमें वीविंग लेंस कहाँ पे हैं, ये हमारा क्या है, सर्कुलेटिंग मूविंग ट्रैफिक है, ये जो जा रहा है यहाँ से भी आपका ट्रैफिक जा रहा है। इसके साथ ही आप जो ये एक्स्ट्रा लेंस यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको वीविंग लेंस बताई, ये लेंस इनको हम बोलते हैं वीविंग लेंस। ये क्यों प्रोवाइड करी जाती हैं, वही आपके ट्रैफिक के फ्लो के लिए इसको, ये एक्स्ट्रा लेन आपके लेंस के साइड में प्रोवाइड करी जाती हैं। सो दैट इज योर वीविंग लेंस एंड दिस एरिया जहां पे ये वाला आने वाला ट्रैफिक, ठीक है ना, और यहां से डाइवर्ज होगा और यहीं से क्या हो जाएगा, या तो ये यहां पे जाके मर्ज कर जाएगा आगे, या फिर यहीं से क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो इसी में क्या होगा आपका, इस वाले एरिया को हम बोलेंगे वीविंग एरिया, एंड ये जो एक्स्ट्रा लेन साइड में है इसको हम बोलेंगे वीविंग लेन। अब इसके बाद आ जाते हैं हम राउंड अबाउट पे। राउंड अबाउट में आप नोटिस करेंगे कि राउंड अबाउट में ऐसी कोई भी लेन्स प्रोवाइडेड नहीं की जाती, जैसे कि ये जो आउटर सर्कल आपको दिख रहा है राउंड अबाउट का, ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, यानी कि ये पूरा क्या है, आउटर सर्कल ये पूरा यूनिफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी लेन्स नहीं है। यहाँ पे जो ट्रैफिक आपका आ रहा है उसको पता है कि या तो उसको यहाँ पे जाना है या फिर उसको यहाँ पे जाना है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा लेन इधर या फिर इधर चारों कॉर्नर्स में कहीं भी प्रोवाइड नहीं करी गई है। तो ये जो टेबल में आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये मैंने IRC 65 से लिए हैं, दैट डिफाइंस यू द डिफरेंस बिटवीन रोटरी एंड राउंड अबाउट। तो फर्स्टली हम राउंड अबाउट का डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन क्या बोलता है कि जो राउंड अबाउट है दैट इज स्मॉलर इन साइज एंड रोटरी इज बिगर इन साइज। तो जो राउंड अबाउट को बनाने के लिए जगह चाहिए होती है, जो राउंड अबाउट का जो सेंट्रल सर्कल होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू रोटरी। रोटरी का जो सेंट्रल वाला सेंट्रल आइलैंड होता है वो बहुत बड़ा होता है। सेकेंड जो पॉइंट है, ये तो छोटा सा पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि जो राउंड अबाउट है इट वर्क्स ऑन गैप एक्सेप्टेंस एंड प्रायोरिटी फ्रॉम रूल इज वाइटल फॉर इफेक्टिव फंक्शन। अब राउंड अबाउट के पिक्चर के थ्रू मैं आपको इस पॉइंट को क्लियर करना चाहती हूँ। तो राउंड अबाउट के पिक्चर हम देखेंगे, ये रहा आपका राउंड अबाउट। पहला जो वर्ड मैंने बोला था गैप एक्सेप्टेंस, गैप एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका ऑलरेडी सर्कुलेटिंग ट्रैफिक है, राइट, एंड यहां से क्या है आपका हमारा जो ये मूविंग, ये वाला मूविंग ट्रैफिक है, इसको यहाँ पे इस सर्कुलेटिंग ट्रैफिक वाली लेन में क्या लेनी है, एंट्री लेनी है। लेकिन क्या ये ऐसी इस लेन में चला जाएगा, अभी तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक व्हीकल दिख रहा है। अगर यहाँ पे मान लो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं तो ये ट्रैफिक को यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे गैप ढूंढना है, यानी कि अगर यहाँ पे 4-5 व्हीकल्स ऑलरेडी चल रहे हैं तो ये एकदम से आके इसमें एंट्री, इस सर्कुलेटिंग ट्रैफिक में एंट्री नहीं ले सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड पॉइंट बोलता है इसका, इसी लाइन का, कि प्रायोरिटी फ्रॉम रूल, रूल ये बोलता है कि जो सर्कुलेटिंग ट्रैफिक है आपका उसको पहले जाने दिया जाए, और जो आपका ये, यानी कि जो यहाँ से जो व्हीकल आ रहा है उसको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। जब उसको यहाँ पे व्हीकल्स के बीच में गैप दिखेगा उसके बाद उसको इस सर्कुलेटिंग जो सर्कल है आपका उस वाले ट्रैफिक में एंट्री मिलेगी। तो गैप एक्सेप्टेंस एंड प्रायोरिटी फ्रॉम रूल, दोनों पॉइंट्स यहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं। इसी के साथ हम रोटरी का सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। रोटरी का सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि वर्क्स, जो रोटरी का सेकंड पॉइंट है, इट वर्क्स ऑन वीविंग बिहेवियर बिटवीन एंटरिंग ट्रैफिक फ्रॉम अप्रोच रोड एंड सर्कुलेटिंग स्ट्रीम। इसको भी मैं आपको एक अपनी रोटरी की इमेज के थ्रू क्लियर करना चाहती हूँ। रोटरी में मैंने बोला कि वीविंग बिहेवियर, अब वीविंग बिहेवियर का मतलब क्या है, राउंड अबाउट में क्या था, आपको रुकना पड़ रहा था, आपको गैप ढूंढना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो वीविंग लेंस इंट्रोड्यूस करवाई है रोटरी में, उसका पर्पस ही यही है कि आपको कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा। आपका अगर यहाँ पे जो है ट्रैफिक है और ये आपका सर्कुलेटिंग ट्रैफिक है, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप वीविंग लेंस के थ्रू क्या कर सकते हो, यहाँ पे मूव कर सकते हो आराम से इस सर्कल में। यू डोंट नीड टू वेट, आप आराम से यहाँ पे मूव कर सकते हो, यानी कि कंटिन्यूअस फ्लो कह सकते हैं। रोटरी में आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो होता है, आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो सेकंड पॉइंट है रोटरी राउंड अबाउट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और यही आपका की पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि रोटरी और राउंड अबाउट, जब भी कोई बच्चा आपके सामने बोलेगा कि रोटरी और राउंड अबाउट सेम चीज़ है, तो आपको यही की डिफरेंसेस हमेशा अपने माइंड में रखने, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, जो राउंड अबाउट होता है उसकी जो रिलेटिवली स्पीड होती है वो लो स्पीड होती है। अब लो स्पीड क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल को रुकना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो रोटरी है वहां पे आपकी हायर स्पीड्स आर अलाउ, क्योंकि वहां पे आपको रुकना नहीं पड़ता।
जो फोर्थ पॉइंट है वो ये बोलता है राउंड अबाउट का कि नो पेडेस्ट्रियन एक्टिविटी ऑन द सेंट्रल आइलैंड, यानी कि जो सेंट्रल आइलैंड आपका होता है यहाँ पे आप देखते हैं कोई भी मतलब पेडेस्ट्रियन एक्टिविटी यहाँ पे सेंट्रल आइलैंड के आसपास अलाउ नहीं होती। लेकिन उसी का उल्टा रोटरी क्या बोलता है कि सम लार्ज ट्रैफिक सर्कल्स अलाउ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल आइलैंड। लेकिन रोटरी में जो आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है सेंट्रल आइलैंड के अलॉन्ग वो आपकी अलाउ होती है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये बोलता है कि लार्ज एंट्री एंगल हेल्प्स टू क्रिएट द एंट्री डिफ्लेक्शन टू कंट्रोल द स्पीड थ्रू द राउंड अबाउट। अब जो लार्ज एंट्री एंगल्स होते हैं यहाँ पे आप देखेंगे राउंड अबाउट में कि जो एंट्री एंगल्स हैं वो काफ़ी क्या है, लार्ज है, लार्ज डिफ्लेक्शन है यहाँ पे आपका। लेकिन सेम उसी के अबाउट अगर हम देखें रोटरी, रोटरी में क्या है आपके जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो आपको इतना नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे क्या है आपको सेम पॉइंट पे आपका मर्जिंग भी हो रही है, सेम पॉइंट पे आपकी डाइवर्जिंग भी हो रही है, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो उतने ज़्यादा बड़े नहीं मिलते आपको एंट्री या एग्जिट करने के लिए। ठीक है, अगला आता है आपका डायमीटर। डायमीटर इज वेरी सिंपल कि जो राउंड अबाउट है उसका डायमीटर अराउंड जो सिंगल लेन के लिए बनता है वो आपका 28 टू 40 मीटर होता है और डबल लेन के लिए 40 टू 70 मीटर होता है। लेकिन जैसा कि फर्स्ट पॉइंट ने क्लियर कर दिया था कि रोटरी बड़ी होती है, रोटरी इज बिगर इन साइज, तो यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो डायमीटर होगा रोटरी का सेंट्रल आइलैंड का वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू राउंड अबाउट। तो इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, इट इज मोर देन 70 मीटर। तो रोटरी और राउंड अबाउट में जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया इंस्क्राइब सर्कल वाला, उससे हमें ये क्लियर होता है कि जहां पे हमारा जो डायमीटर है वो हमें 70 से कम का हमारा इंस्क्राइब सर्कल का जो डायमीटर है वो अगर 70 से कम है देन इन दैट केस वी विल प्रोवाइड राउंड अबाउट, एंड अगर वो 70 मीटर से ज्यादा है देन इन दैट केस वी विल प्रोवाइड रोटरी। तो यहाँ से आपका क्लियर होता है कि रोटरी और राउंड अबाउट में आपको डिफरेंसेस इस वीडियो में मैंने बताए, डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं वो मैंने आपको इमेज के थ्रू क्लियर करा, वीविंग बिहेवियर क्या होता है वो मैंने आपको क्लियर करा। तो अब यहाँ पे एक हम चीज़ देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन अगर मैं अगर देखूँ तो जो मॉडर्न राउंड अबाउट्स हैं वो ज़्यादा सेफ हैं और वो ज़्यादा मतलब बेटर हैं एज कम्पेयर टू रोटरी। माना कि राउंड अबाउट की स्पीड कम होती है लेकिन जो एक्सीडेंट के चांसेज होते हैं वो मॉडर्न राउंड अबाउट में बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू रोटरी। रोटरी में बिकॉज ऑफ दैट वीविंग बिहेवियर जो आपके एक्सीडेंट के चांसेज है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम मैं कि ये कह सकती हूँ कि मॉडर्न राउंड अबाउट्स आर सेफ एंड बेटर देन रोटरी। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट अस टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम लिंक एंड वॉट एवर द सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो भी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली उन सबको फॉलो कीजिए। और आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को फॉलो करना मत भूलिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी वीडियोस जो भी मैं बनाती हूँ उन सबके लिंक्स मिल जाएंगे। और जो भी मेरी वीडियोस अभी तक मैंने बनाई हैं हमारे चैनल पे जो अपलोडेड हैं वो आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सिविल प्रोडिजी।